नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेमल और हेमल की फैमिली। पहली बार सुना या ना, चलो आज पता लग जाएगा। तो कल अपन ने क्या पढ़े थे? अपन ने फ्लैग पढ़े थे। हाँ? और हेड एंड शोल्डर पढ़े थे और जो थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हाँ, कोई डाउट? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज आप पढ़ेंगे हेमल। हेमल ठीक है। हेमल क्या होता है? आप सामने से आ रहे मुझे मारने के लिए, मैंने हेमर उठा लिया, वहीं से गायब हो जाओ। तो यहाँ पर भी हेमर का वही काम है, जहां भी हेमर बनेगा वहां से मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जाए पलट लेगा। अगर नीचे आ रहा है और हैमर बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर जा रहा है वहां पर हैमर बन गया तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आज पहले समझते हैं हैमर है क्या। एच ए डबल एम ई आर प्लस डी ओ जे आई हैमर और लोजी। लोजी ठीक है। हैमर कैसा दिखता है, क्या खासियत होती, मतलब कैसे बोलोगे हैमर है वो? ऐसा क्या ऐसा नहीं, उसको थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये हैमर है क्या? नहीं है। और ये हैमर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है। हाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं है, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है। हाँ। तो ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है, उल्टा रखा है ना, उल्टा हुआ तो क्या हुआ, हेमर नहीं है क्या? हेमर तो भी क्या लाएगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ। पहले हम पढ़ते फिर गोजी पढ़ते। देखो तो इनके ना बहुत सारे नाम, अपना छोटा सा दिमाग है, इतनी पढ़ाई नहीं करनी है कि एग्जाम देना है कहीं पे। एग्जाम देना अपने को, कौन सा हैमर है, कौन सा डोजी है, ये सब नहीं। ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या सिंबल बनता है तो अपने किस काम का है। ठीक है, ये हैमर सीधा है, ये हैमर उल्टा है, बस अंतर यही है, बाकी है दोनों रेड है, दोनों रेड है और एक उल्टा एक सीधा है, एक ग्रीन हैमर है। हाँ, एक उल्टा एक सीधा है। इसकी पहली खासियत है, हैमर की पहली खासियत है इसकी बॉडी जो है। हाँ, बॉडी से कम 2 से 3 गुना होगी इसकी विक। बॉडी अगर एक है तो इसकी विक 2 से 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये हैमर कहलाएगा। आपने ऐसा हैमर भी कभी नहीं देखा होगा जितना बड़ा बॉडी है उतना बड़ा हैमर, नहीं ये भी नहीं होता है ना भाई, कम से कम 2 से 3 गुना तो होना चाहिए, विक होना चाहिए, तो हैमर कहलाता है। ठीक। हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ी सी, हाँ वो डंडी इसमें, अपन भाई अपन देसी है। हाँ। अपन जो हैमर खरीदते हैं बार बार निकलता पीछे से खीला मार देते हैं, खीला मार देते हैं, लकड़ी मार देते हैं, एक लकड़ी ठोक देते हैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, दिखता है सब। हाँ, तो वो भी हैमर ही कहलाएगा। हाँ, वो भी हैमर, ये मत सुनो कि नहीं वो थोड़ा सा निकल गया तो हैमर नहीं है। हाँ, लेकिन वही है कि ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल इतनी तो रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत चलेगी। हाँ, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक, क्लियर। बिल्कुल। पहली खासियत बॉडी, बॉडी से वीक जो है 2 से 3 गुना बड़ी बड़ी होनी चाहिए, सीधी सीधी बात। और जितनी बड़ी होगी हाँ वो उतना अच्छा है, मत वो उतना अच्छा रिवर्सल देगा। क्लियर। इनमें से किसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन नाम बता दे रहा हूं। एक को बोलेंगे हैमर। हाँ। एक को बोलेंगे हैंगिंग मैन।
एक को बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, एक को बोलेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैंने याद किया ना, मैं याद करने को बोलूंगा आपको, याद करना भी नहीं। हैमर दूसरा क्या बोलेंगे? एक हैमर, एक हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, हाँ, लटका लटका देते ना इंसान। हाँ, हैंगिंग मैन। तीसरा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जैसे अपन ने वो पढ़े थे ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, हाँ, तो ये इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। चौथा है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ठीक है। अब किसको क्या बोलते हैं आप पढ़ लेना नेट में, और नेट पे देखना पड़ेगा, ठीक। ठीक, तो खासियत बॉडी बड़ी होना चाहिए, वीक जो है दो तीन गुना बड़ी लेना चाहिए, चार गुना भी चल जाएगी, जितनी बड़ी होगी उतना, चार गुना पांच गुना दस गुना भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जहां बनते हैं वहां मार्केट पलट लेगा, ऊपर से आ रहा है जो ऊपर नीचे चला जाएगा। हाँ, ये ऊपर खुलेगा नीचे बंद होगा, ये यहाँ पे खुला, हाँ, और यहाँ पर यहाँ तक आया और यहाँ बंद हो गया। हाँ, मतलब मार्केट यहाँ, मार्केट ऐसा आ रहा था, हाँ, यहाँ पे खुला कैंडल, खुला, यहाँ तक नीचे गया, नीचे गया, लेकिन फिर बाई होने लगी तो मार्केट यहाँ पे, यहाँ बंद हुआ, बंद हो गया। तो ये और सेकेंड कैंडल जस्ट उसी के बाजू में बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ से बनना शुरू होगी। हाँ, तो भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, जाता है। कंडीशन ये है कि हैमर पूरे कैंडल पे सबसे नीचे बनना चाहिए, पूरे चार्ट पे सबसे नीचे बनना, सबसे नीचे बनना। हाँ, नहीं मतलब दो तीन यार मैंने भी देखा है, तो सबसे ऊपर बनना चाहिए, सबसे टॉप पे या सबसे नीचे बॉटम पे, तो ही ये काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। थोड़ा सा भी नीचे रहा तो वो समझो किधर भी जा सकता है, ठीक है। ये चार्ट चल रहा है, यहां बना तो कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, वहां से यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा तो काम का है। पता कैसे चलेगा कि मतलब वही बनेगा, मतलब चार्ट का जो वो रहेगा वो लंबा रहेगा। चार्ट बनने दो ना, चार्ट को बनने दो आप। हाँ, जब कैंडल बंद हो जाए, हाँ, तब दिखेगा अपने को, थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाएगा, तो उसमें ऐसा लगा के और वहां से या तो फुट ले लो या तो अपना कॉल ले लो। अगर यहाँ ऊपर बंदा है तो कर लेंगे अपन, फुट लेंगे यहाँ से, सेल करेंगे। हाँ, और नीचे बंदा है तो कॉल का ले लेंगे अपन, ऊपर ऊपर के लेंगे, ठीक है। कंडीशन ये है, पहली ये, दूसरी चार्ट के टॉप या बॉटम में बनना चाहिए, मतलब जितना डेस्कटॉप पे चार्ट दिखेगा उसके टॉप या बॉटम में, या बॉटम में दिखना। अच्छा, अबे पूरा चार्ट तो देख नहीं सकते, नहीं पूरा नहीं, जितना अपन देख रहा है, देख रहा है अपने को, अपने एक चार्ट पे कम से कम मैक्सिमम 50 से 100 घंटे आ जाती है, इतनी तो आ जाती है, इतनी आती है, हां आराम से 50 से 100 घंटे ले आती है, तो उसमें जहां टॉप दिख रहा है और उसमें जहां बॉटम दिख रहा है उसमें बन जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। चार के टॉप या बॉटम में ही बनना चाहिए तो ही ये काम करेगा, असल में काम करता है, उस समय भी है, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार यहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा, मतलब 100% गारंटी रहती है कि मार्केट यहाँ से पल जाएगा। मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं है, भी नहीं है, ये 80-90% बोल सकते हैं आप इसको, 90% पल जाएगा यहाँ से मार्केट, है ना। टॉप पे बन गया तो नीचे नीचे, और नीचे बन गया तो ऊपर जाएगा मार्केट। हाँ, नहीं मतलब ऐसा देखते देखते मैंने क्या है यूट्यूब में भी देखा था, तो उसमें हैमर सुना था मैंने, तो मैंने दो तीन चार्ट देखा तो उसमें मेरे को कहीं कहीं ऐसा एकदम नई के बराबर समझ में आया कहीं कहीं कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया है पूरा मार्केट। हाँ, ये चीज मैंने देखा है दो तीन दिन, ठीक है। हाँ, तो क्लियर क्लियर, अब इसके बाद आते अपन में हैमर के बारे में और लिख लेता हूँ। बॉडी से वीक दो से तीन गुना बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा क्या लिखा, चार्ट के टॉप या बॉटम में बनेगा,
तो ही इफेक्टिव रहेगा अधिक। चार्ट के टॉप या बॉटम में बनेगा तो ही यह 90% इफेक्टिव रहेगा। 80 से 90% 80 से 90% इफेक्टिव रहेगा। हैमर क्लियर? हैमर हो गया क्लियर। अब क्या है ये डोजी? इसको डोजी बोलेंगे। ये कहलाएगा डोजी। डोजी, डोजी क्या होती है? डोजी का मतलब है जहां पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं खत्म हो गया। वहीं खत्म हो गया, ऊपर जितना गया नीचे जितना गया उससे कोई मतलब नहीं है। उसका ओपन और क्लोज वहीं रहेगा, एक ही सेम होगा। ठीक, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक ऊपर गया, वहीं वहीं बंद हो गया। अगले कैंडल वहीं बाजू से चालू होगी। ओपन और क्लोज वहीं हो गया, 99% सेम। ठीक, अब ये बताओ मुझे कि इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, सिर्फ थोड़ा सा, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, यहाँ बंद हो गया, तो वहां बंद ना होके यहाँ बंद होता हैमर बंद रहता हूँ। क्या बनता हैमर? मैंने बोला कि आप ही नहीं बोले। यहाँ खुला, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, और यहाँ ऊपर से बंद होता तो हैमर हो जाता। वो भी यहाँ पे भी हैमर, यहाँ पे भी, लेकिन इस परिस्थिति में हैमर नहीं बन पाएगा। तो ये जो है ये हैमर की फैमिली के हैं? हाँ, फैमिली उसी की, भाई बहन है। हैमर की फैमिली की है ना? भाई बहन है दोनों। थोड़ी सी ऊपर नीचे बंद हुआ तो क्या हो गया, नाम बदल देगा? तो ये 4 × 8 तो 10 नाम याद करें हम? नहीं करना इतना यार, वो यार सिर्फ एक ही चीज याद करो, हैमर का और डोजी। अगर भाई थोड़ा सा नीचे बंद होता यहाँ पे, हैमर बन जाता, हैमर बन जाता ना। काम तो वही कर रहा है, काम वही, ये भी रिवर्सल है। अच्छा, ये भी रिवर्सल ही है। मार्केट यहाँ से 90% परत्ता ही क्वालिटी का है। चार, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। ये भी कब काम आते हैं? टॉप पे बॉटम में या बॉटम पे? चार्ट के टॉप पे बने या चार्ट के बॉटम पे बने तभी काम आएंगे, अदरवाइज काम ये नहीं आएंगे। ठीक है, कहानी हाइट डोजी के लेवल के ही है। हाँ, ना? हाँ। और थोड़ा सा ये भी रहता है, ऐसा भी, तो इसको भी डोजी बोलेंगे। कहा जा रहा बोलने में, इतू से कहा फर्क पड़ा था। हाँ, ज्यादा सा फर्क, कितना फर्क पड़ा भाई? 2 पॉइंट ऊपर बंद हो, 2 पॉइंट नीचे बंद जाता तो डोजी बन जाता वो। हाँ, बस इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया था कि डोजी ऐसा। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया तो वो डोजी चला, भाई थोड़ा सा ऊपर हो गया तो वो डोजी चला, स्पिनिंग टॉप हो गया, थोड़ा सा नीचे बंद हुआ तो स्पिनिंग बॉटम हो गया। तो वही मतलब ये होगा कि जैसे बीच में है, बीच से थोड़ा सा अगर ऊपर बंद हुआ तो ये स्पिनिंग टॉप होगा, और थोड़ा सा वहीं से बीच में से नीचे हुआ तो स्पिनिंग बॉटम होगा। ठीक, क्लियर? यहाँ पे कहानी वही है, बॉडी से 2 से 3 गुना वीक होना चाहिए। हाँ, इसमें भी बॉडी और इसमें भी, उसमें बॉडी तो है ही नहीं, वीक ही दिख रही है, वीक ही दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। हाँ, इनके नाम लिख लो एक बार, डोजी डोजी लिख लो। एक का नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। क्या चीज? ग्रे, जी आर ए वी ई, ग्रेव। हाँ, ग्रेव स्टोन, एस टी ओ एन टी ओ एन ई, स्टोन डोजी, डी ओ जे आई ओ जी। दूसरे का नाम है लॉन्ग लेग्ड डोजी, एल ए डी ई, एल ई जी ई डी, एल ई जी ई डी डोजी। एक का नाम है ड्रैगन फ्लाई। तीसरे का नाम ड्रैगन फ्लाई, डी आर ई जी ए डी आर ए जी ई एन,
ड्रैगन फ्लाई, हाँ ड्रैगन फ्लाई टोकी एफ एल वाई डी ओ जे आई, चौथे का नाम में बनी, चौथे का नहीं पता, ठीक है काम वही है। हाँ, लिख लिया नाम, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये हेमा की छोटी बहनें हैं। हाँ बस हेमा फैमिली हो गई, हेमा की फैमिली है, इसमें लिख लेता हूँ मैं यहाँ स्टार बना के हेमा की फैमिली ही छोटी है, और दूसरा स्टार बना के सबका काम एक ही होता है रिवर्सल टेल, मार्केट को रिवर्स करना, ऊपर बन रहा है तो नीचे गिरेगा, नीचे बन रहा है तो ऊपर गिरेगा, ज्यादा असरदार कब होगा जब ये चार्ट के या तो टॉप में रहेगा या तो बॉटम, बॉटम में रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो क्या करना है ना, ये मार्केट गिर रहा था, ठीक है, अगला कैंडल यहां से खरीदेंगे ना, कितना भी रहेगा, हो सकता है टारगेट जितना नीचे आया पहला टारगेट वहां लगा दो, पहला टारगेट वही होता लास्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा पहला टारगेट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो टारगेट बढ़ते जाते हैं, होते रहेगा, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। सब में SL उसका बॉटम या टॉप होगा, पूरा नहीं, मैं अभी ये समझ रहा था कि जो उसका SL रहेगा वो बॉडी का जो नीचे का रहेगा उतना SL रहेगा, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मैक्सिमम SL बताते हैं अपन, मैक्सिमम SL क्या रहेगा, पूरा बॉडी वो पूरा वीक और बॉडी मिला के पूरा कैंडल का सबसे आखिरी लो जो भी है तो, हाँ जहां तक लोग रहे हैं सबसे पीछे, ठीक है, ठीक है। और टारगेट तो आपको बता दिया मैंने, टारगेट की कोई लास्ट हाई, लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट सपोर्ट रहेगा, उसके बाद फिर वो कहीं भी जा सकता है, ठीक, ठीक है। कोई सवाल हो उसमें तो बताओ। अच्छा मेरा एक सवाल और है, जैसे लास्ट रजिस्टर अपन ये बनाए, हाँ? यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ठीक है ये हो गया, उसके बाद लास्ट रजिस्टेंस जो रहेगा वहां तक मार्केट गया, तो अपन वहां 20 पॉइंट का ऐसे लगा सकते हैं क्या, कैसा, जैसे ये रेजिस्टेंस हुआ, ये नीचे आया मार्केट, यहाँ पे हैमर बना, ऐसा नहीं, यहाँ पे हैमर बना, ठीक, यहाँ अपन ने SL लगा दिए, ठीक है, यहाँ पहला SL लगा दिया, फिर मार्केट यहाँ से गया 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 यहाँ तक, ये समझो यहाँ तक गया मार्केट, हाँ ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट गया, तो यहाँ से अपन 20 पॉइंट नीचे का SL लगा सकते हैं, ये जब अपन SL की क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, अभी अपन तो सिर्फ टाइप्स ऑफ ये पढ़ रहे हैं, मतलब SL की और तीन की सिर्फ SL की क्लास है, ओनली तीन दिन नहीं, मैं SL एकदम से हां नहीं वो सही आपका सवाल सही था, ये पूछ ही लेते हैं, ये सिर्फ पेड कस्टमर के लिए है जो यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, उसकी अलग से क्लास रहेगी कि SL हमको कैसे ट्रेड करना है, SL आपको कब लगाना है, क्यों लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, नहीं मतलब ये ले सकते हैं ना अपन, कहीं पैटर्न नहीं कर रहा है अपन अपने हिसाब से, यहाँ ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया तो यहाँ तक जाएगा और कट जाएगा, बिल्कुल ले सकते हैं, ऊपर गया तो फिर वो कोई बात ही नहीं है, देख लो हमें वही छोड़ता है, या ये पहला SL लगा के अपन यहाँ पहला SL लगा देंगे यहाँ तक, जैसे यहीं तक भी गया मार्केट, नहीं यहाँ से जब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ SL नहीं लगा सकते, SL सबसे मेन चीज है मार्केट में ट्रेडिंग करने का, सबसे मेन हथियार SL है, इसी से लॉस से बच सकते हैं अपन, अगर आप SL लगाना जानते हो तो आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, अगर आपको SL लगाते नहीं आता तो आपकी ट्रेडिंग किसी काम से जानती नहीं, आप लॉस में ही जाओगे हमेशा, SL की अपनी अलग से क्लास रहेगी 2-3 क्लास, ठीक है, ठीक है। तो कोई सवाल हेमाडोजी में, हेमाडोजी में नहीं है अभी कोई सवाल, मेन चीज तो हेमल के, हाँ हेमल की मेन मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट या तो वो पूरे मार्केट चार्ट है, हेमल अपना हेमल, हेमल क्या कह रहा है, हेमल किसको बोल रहे हैं, हेमल मतलब हथौड़ा, या तो वो उल्टा ही बन सकता है या तो सीधा ही बन सकता है, ठीक है,
और या वही चीज है क्या बोलते हैं, बॉडी से तीन गुना उसका वीक बनेगा, तीन से चार गुना ही बन सकता है। और दूसरा है या तो ये चार्ट के टॉप पे रहेगा या तो चार्ट के बॉटम में रहेगा, तभी 90% मार्केट मूव करेगा। डोजी डोजी का भी लगभग सेम ही है, बस उसमें जहां पर ओपन होगा वहीं क्लोज होगा, वो डोजी बन जाएगा। थोड़ा ऊपर हो गया तो हैमर बन जाएगा, थोड़ा नीचे हो गया तो हैमर बन जाएगा, हैमर बन जाएगा। और ये इसका भी मेरे को नाम भी याद है, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। क्लियर? तो हैमर ये बीच में बन सकता, थोड़ा नीचे भी बन सकता, थोड़ा ऊपर भी बन सकता है। नहीं, ये जितने भी कैंडल है ये सब टॉप या बॉटम में ही बनना चाहिए। नहीं नहीं, ये स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग, ये भी टॉप बॉटम में ही बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए तभी असरदार है। मार्केट के नहीं, जहाँ एक ये बीच में ही बनता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी चलता है, लेकिन मार्केट इसी में एकदम बीच में ही बनेगा। हाँ, वही वही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया, कोई सवाल नहीं। तो दोस्तों, आज का हैमर की फैमिली का क्लास खत्म हो गया। आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।